दोस्तों, मेरा नाम रहमान है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना पेश करने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त का नाम वसीम है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब उसकी सगाई हो गई थी। वह उसकी मंगेतर रेशमा से बहुत प्यार करता था और वे दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वह रेशमा से रात को बात कर रहा था। उसने रेशमा को मिलने के लिए बोला तो वह बदली हुई आवाज में बोली, तू ज्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। वसीम एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा कि शायद रेशमा उसके साथ मजाक कर रही होगी। फिर वसीम उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू, देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। ये कहकर उसने फोन रख दिया। अगली सुबह जब वसीम मुझसे मिला तो वह अपनी आप बीती बताने लगा। उसने मुझे रात को फोन वाली बात बताई। उसने कहा कि रात को 2-3 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक सफेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वह बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने वसीम को गले से पकड़ लिया और उसकी सांसें रुक गई। वसीम उसी वक्त अल्लाह को याद करने लगा और देखते ही देखते वो बूढ़ा आदमी उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन वसीम ने फिर रेशमा से मोबाइल पर बात की और कहा, कल रात तू मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। रेशमा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि कल तो मैंने फोन ही नहीं किया। ये सुनकर वसीम के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फोन काट दिया। उसी वक्त वसीम ने मुझे फोन करके कहा कि रेशमा की तबीयत खराब है और कल हमें उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर रेशमा के घर गए। वहां हमने दरवाजा खटखटाया तो रेशमा सामने खड़ी थी और आदमी की आवाज में बोली, तू फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरा जनाजा निकाल दूंगा। वसीम बोला कि ये क्या बोल रही है तू। वसीम आगे था और जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा तो रेशमा ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर वसीम के सिर पर दे मारी, जिसके बाद उसके सिर से खून बहने लगा। वसीम के ससुर और सालों ने रेशमा को पकड़कर बिठाया, फिर वसीम के सिर पर पट्टी बांधी। रेशमा के दादाजी ने कहा कि उस पर जिन का कब्जा है। इस पर वसीम के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर बाद हमने वहां से सीधे अस्पताल जाकर पट्टी करवाई। अगले ही दिन मुझे वसीम का फिर फोन आया कि रेशमा की तबीयत बहुत नाजुक है और वह अस्पताल में भर्ती है। वसीम ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुंचे। वहां पर पहुंचकर हमने डॉक्टर से रेशमा की हालत पूछी तो उन्होंने कहा कि उसकी हालत बहुत नाजुक है और बीमारी क्या है इसका पता नहीं चल पा रहा, और उसके घर वालों को डॉक्टर ने रेशमा को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले रेशमा को घर ले आए। रेशमा ने वसीम को बुलाया और कहा, वसीम मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी, अब तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। ये सुनकर वसीम के आंसू आ गए और वह बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर रेशमा के दादाजी ने उसको पास ही के पीर बाबा के पास जाने को कहा। उस पीर बाबा के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि इसको एक बुरे जिन ने जकड़ लिया है जिसकी वजह से वह उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पीर बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है और इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती है। वसीम ने कहा, मैं जाऊंगा, मुझे बाइक चलानी आती है। करीब रात के 3 बजे वसीम और रेशमा दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे तक किसी का फोन आया कि वसीम और रेशमा दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।
अगर आप कुछ ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं।